जिले में बढ़ते अपराध और बेरोजगारी की वजह शराब को बताते हुए जनता दल सेक्युलर के सदस्यों ने राज्यपाल संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिले में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी और आत्महत्या जैसे मामलों में शराब को जिम्मेदार मानते हुए जनता दल सेकुलर के सदस्यों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर संपूर्ण जिले में शराब के ठेकों को बंद कराए जाने की मांग की है। उनका मानना है कि जिले में पर्याप्त रोजगार के साधन उपलब्ध न होने की वजह से युवा कुंठित होकर शराब का सेवन करने लगते हैं और इससे वह कभी कभी अपराध में भी संलिप्त हो जाते हैं। आज जनता दल सेकुलर जिला झांसी ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन भेजा है। हमारी मांग है कि झांसी जिले को शराब मुक्त कराया जाए। जिस तरह भारत के अन्य प्रांतों में शराब पर प्रतिबंध है, मैं चाहता हूँ झांसी जिले पर भी शराब का प्रतिबंध होना चाहिए। झांसी जिले भर में हर मोहल्ले वाई मोहल्ले कलारियाँ खोल रखी हैं, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मजार हो, चाहे कब्रिस्तान हो, हर जगह खुलेआम शराब का व्यापार हो रहा है। इसका जनता दल सेकुलर घोर विरोध करती है। जब तक शासन द्वारा झांसी में प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जनता दल सेकुलर हमेशा संघर्ष करती रहेगी। न्यूज़ बीके के लिए अरवाज दानिश के साथ मनीष अली की रिपोर्ट।